हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल कॉस्ट ₹200 मोर देन ए चेयर। द प्राइस ऑफ टू टेबल्स एंड थ्री चेयर इज ₹1400, मतलब ₹1400। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। सिंपल सा बात है, यहाँ पर बोल रहा है कि ए टेबल मतलब क्या, एक टेबल का कॉस्ट ₹200 ज़्यादा है किससे, चेयर से। मतलब चेयर का प्राइस जो भी हो उससे वो ₹200 ज़्यादा है। चेयर का प्राइस सपोज अगर ₹10 हुआ तो चेयर टेबल का प्राइस कितना होगा, वो बोला 200 ज़्यादा, और टेबल चेयर का प्राइस हम मान लेते हैं ₹10, तो कितना, ₹210 होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूँ चेयर का दाम है ₹100, तो टेबल क्या हो, कितना होगा, 200 ज़्यादा होगा, किस कितना होगा, टेबल कितना हो जाएगा, ₹300 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर देखो एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पर किसका कॉस्ट वो बताने की कोशिश कर रहा है, टेबल का कॉस्ट, एक टेबल का कॉस्ट बताने की कोशिश कर रहा है, बट वो डायरेक्टली ना बता के घुमा फिरा के किसको कंपेयर कर रहा है, चेयर का प्राइस से कंपेयर कर रहा है कि आपका चेयर का प्राइस जो भी है, आप मान लो चेयर का प्राइस कुछ भी हो, उसको उससे मतलब नहीं हो। बोला कि चेयर का प्राइस कुछ भी हो, टेबल का जो कॉस्ट होगा वो चेयर से 200 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें चेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ पर टेबल के बारे में बोल रहा है बट कंपेयर कर रहा है चेयर से उसको, ठीक है। तो हम मान लेते हैं चेयर, एक जो चेयर का प्राइस हम मान लेते हैं एक्स है, एक चेयर का जो कॉस्ट है, यहाँ पर लिख लो कॉस्ट ऑफ वन चेयर, पर इसको डायग्राम में समझेंगे। कॉस्ट ऑफ वन चेयर, एक चेयर का प्राइस कितना है बच्चों, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। हमें चेयर के बारे में, कॉस्ट के बारे में पता नहीं, एक चेयर का दाम कितना है, तो मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन चेयर एक्स है। तो सिंपल से बात है, कॉस्ट ऑफ वन टेबल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन टेबल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ वन टेबल क्या बोल रहे हैं, टेबल का बोल रहे हैं कि 200 ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 200 हो जाएगा। चेयर जो चेयर का जो कॉस्ट, एक चेयर का दाम कितना है हमें पता नहीं, उसको एक्स ले जाओ। यहाँ पर बोल रहा है कि टेबल जो होगा, एक टेबल जो होगा वो चेयर का प्राइस जो भी है उससे 200 ज़्यादा होगा। तो हो गया एक्स प्लस 200 हो गया आपका, किसका, एक टेबल का कॉस्ट आपको निकल गया। तो मैं अगर पूछूँ आपको एक चेयर का दाम पता है, आप बोलोगे सर यस हमें पता है एक्स। अगर मैं आपसे पूछूँ बच्चों आपको एक टेबल का दाम पता है, आप बोलोगे सर यस हमें पता है एक्स प्लस 200 होगा, ठीक है। तो आपको एक चेयर का दाम आपको पता है एक्स, और एक टेबल का दाम आपको पता है एक्स। यहाँ तक सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो उत्तर, एक एक तो एक एक टेबल, एक एक चेयर का उसने प्राइस यहाँ पर हमें पता चला गया, वो कितना खरीदना चाहता है। अब यहाँ बोल रहे थे प्राइस ऑफ टू टेबल, यहाँ पर कुछ खरीदने बिकने का नहीं है, बोले कि दो टेबल का प्राइस और तीन चेयर का प्राइस जो है वो कितना है। देखो यहाँ पर दोनों मिला के बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ टू टेबल्स, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देखो द प्राइस ऑफ टू टेबल्स एंड थ्री चेयर इज ₹1400, मतलब यहाँ दोनों को मिलाकर दो टेबल का प्राइस और तीन चेयर का जो प्राइस है वो कितना है, ₹1400 है। तो सिंपल से बात है, एक चेयर का दाम कितना है, एक चेयर का जो कॉस्ट कितना, एक चेयर का जो कॉस्ट है वो कितना, एक्स है। तो हमें कितना चेयर बोल रहे हैं, तीन चेयर, तो थ्री चेयर का कॉस्ट क्या होगा। सिंपल से देखो एक चेयर का जो कॉस्ट है वो कितना, एक्स है, तो थ्री, एक चेयर का कॉस्ट एक्स है, तो थ्री चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, थ्री इंटू एक्स कितना हो जाएगा, थ्री एक्स हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है, और फिर क्या होगा, दो टेबल है, अगर एक टेबल का दाम हमें पता है कितना, एक्स प्लस 200 है, तो मुझे बताओ कितना, टू टेबल का दाम कितना हो जाएगा। सिंपल सा बात है, दो टेबल का दाम कितना हो जाएगा, अगर एक टेबल का दाम है एक्स प्लस 200, तो दो टेबल क्या होगा, हम दो मल्टीप्लाई कर देंगे, दो किससे मल्टीप्लाई, दो जो मल्टीप्लाई होगा किससे होगा, इन दोनों से होगा, क्योंकि ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्लस 200, ये दोनों मिलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ वन टेबल, एक टेबल का जो दाम है वो ये दोनों मिलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको, इसका मतलब दो जो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ होगा, अगर दोनों के साथ होगा तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, हमें पता है, तो क्या हो गया, इसको आप यहाँ से सॉल्व करो, इसका होगा कितना, 2x प्लस 400, ठीक है। तो ये निकल के आ गया आपका 3x जो हो गया बच्चों, वो हो गया आपका तीन चेयर का दाम, और दो टेबल का जो दाम हो गया वो कितना हो गया, 2x प्लस 400। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ₹1400। इन दोनों का प्राइस मिलाकर कितना है, मतलब इन दोनों का, ये दो टेबल और तीन चेयर का प्राइस कितना है, 1400। तो हमने तीन चेयर का प्राइस हुआ 3x, और दो टेबल का प्राइस हो गया हमारा, टू टेबल का प्राइस हो गया हमारा 2x प्लस 400। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे किसको, 3x को मिला दो किसके साथ, 2x प्लस 400 के साथ मिला दो। इन दोनों को मिलाने से ये हो गया आपका किसका, थ्री चेयर का प्राइस है, और 2x प्लस 400 आपका क्या हो गया, जो आपका थ्री, जो टू टेबल का प्राइस है। दोनों को मिलाने से आंसर कितना आएगा, 1400। ये हो गया हमारा इक्वेशन, देखो कितना आसान था बच्चों। अब हम बढ़ते हैं बच्चों स्टेटमेंट की तरफ। अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेटमेंट, देखो कैसे आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट
लेट द प्राइस ऑफ वन चेयर, हमेशा जिसको कंपेयर होगा उसको एक्स लेना, लेट द प्राइस ऑफ वन चेयर इक्वल टू एक्स। टेबल यहाँ पे लिखा है, टेबल कॉस्ट रुपीज़ टू हंड्रेड मोर देन ए चेयर, एक चेयर से ज़्यादा। तो हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाए कितना हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ वन टेबल या फिर द कॉस्ट कुछ भी लिखो, द कॉस्ट ऑफ वन टेबल कितना हो जाएगा ना, एक्स प्लस 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एक चेयर का दाम और ये रहा एक टेबल का दाम। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन से बोला है तो प्राइस ऑफ टू टेबल तब कितना हो जाएगा, पहले हम प्राइस ऑफ टू टेबल का निकाल लेते हैं। प्राइस ऑफ टू टेबल यहाँ पर क्वेश्चन बोला है ना, प्राइस ऑफ टू टेबल, तो प्राइस ऑफ टू टेबल हम लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ टू टेबल, एक टेबल का दाम कितना है, 200 एक्स प्लस 200 है, इसका वैसे ब्रैकेट में एक्स प्लस 200 है, तो दो टेबल का दाम कितना हो जाएगा ना, टू हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको उसके साथ एक्स प्लस 200। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही रखना है उसको। ठीक है, नहीं सको क्योंकि हमें इक्वेशन क्रिएट करना है ना। अब हम ये लिखेंगे प्राइस और क्या है, उसने लिया दो टेबल तो हो गया तीन चेयर, द प्राइस ऑफ थ्री चेयर कितना हो जाएगा, चलो चलो कान में हाथ डालो, ट्रेन आ रहा है, कितना हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, कितना, एक एक चेयर का दाम कितना है, एक्स है, तो थ्री इंटू एक्स, इसको पैसे लिख दो 3x। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, तो ये है दो टेबल का प्राइस और ये है तीन चेयर का प्राइस 3x। और जैसे कि यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है, द प्राइस ऑफ टू टेबल, क्वेश्चन ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ टू टेबल्स एंड थ्री चेयर, द प्राइस ऑफ टू टेबल्स एंड थ्री चेयर इज रुपीज 1400। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखने वाले हैं, आप ध्यान दो, यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा, नहीं इक्वेशन ये होगा कि 3x प्लस कितना 2, यहाँ पर x प्लस 200 इक्वल टू, ये हो गया आपका इक्वेशन। यहाँ पर कुछ रुपीज़ का सिंबल मत देना, इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कुछ यूनिट का सिंबल मत देना, लास्ट में जब स्टेटमेंट लिखोगे वहाँ पर देना है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, 3x जो हो गया हमारा 3 चेयर का और ये दो टेबल का प्राइस, बस हो गया इक्वेशन क्रिएट हो गया। इसको आप सॉल्व कर दो, ये हो गया आपका 3x, ये हो गया आपका 2x प्लस 400 इक्वल टू 1400। इसको हमें सॉल्व करने आता है, हम बहुत फास्ट हो चुके हैं इस तरह के इक्वेशन में सॉल्व करें, कितना ये 5x हो जाएगा प्लस ये कितना हो गया 400, बस ये हो गया 1400 इधर, दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5x अकेला रहेगा, 400 को उठा के उधर ले जाओ, 1400 माइनस ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू, ये हो गया बच्चों कितना 1000 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 5, इसको आप कैंसिल करो तो आपको दैट इम्प्लाइज x का जो वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा 200। तो यहाँ मतलब x का जो वैल्यू निकला वो 200 निकला, इसका मतलब हमें किसका प्राइस मिला, देखो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच, बस निकाल दो कॉस्ट ऑफ ईच, तो एक चेयर कॉस्ट ऑफ ईच बोला है ना, तो एक चेयर चेयर है ना, देखो एक चेयर है ना, एक चेयर का हमने एक्स लिया था ना, हाँ एक चेयर, तो यहाँ पर लिख दो तो प्राइस ऑफ वन चेयर, आप स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देना, लिखना तो प्राइस ऑफ वन चेयर इक्वल टू कितना रुपीज़, यहाँ पर आप यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल देना, यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल नहीं दोगे ना तो मार्क कट जाएगा, हो गया 200 हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिया, और एक एक, एक चेयर का हो गया, अब एक टेबल का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच पूछा, तो टेबल जो हमारा कितना है, हमने कितना लिया था, देखो एक टेबल का कितना था, एक्स प्लस 200, यहाँ पर देखो यहाँ पर सब यहाँ पर है, यहाँ पर था चेयर का, एक चेयर का यहाँ पर था एक्स प्लस 200 किसका था, टेबल का था। अब यहाँ पर सिंपल लिख दो प्राइस ऑफ वन टेबल, लिखो ईच पूछा है ना, प्राइस ऑफ ईच, कॉस्ट ऑफ ईच बताओ, एक एक का बताओ कितना, एक चेयर का दाम कितना है और एक टेबल का दाम तब कितना है, तो यहाँ पर लिखो तो प्राइस ऑफ वन टेबल, तो प्राइस ऑफ वन टेबल इक्वल टू कितना कितना लिया था, एक टेबल का एक्स प्लस 200, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे 200, पहले से यहाँ पर 200 ऑलरेडी है तो ये हो गया 400। ठीक है, लास्ट को यहाँ पर देयरफॉर लिखा, द प्राइस ऑफ वन चेयर इज 200 एंड द प्राइस ऑफ वन टेबल इक्वल टू 400। ठीक है, चेयर का दाम 200, एक चेयर का दाम 200 और एक टेबल का दाम 400 रुपये, सॉरी यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल देना है। ठीक है, रुपीज़ लास्ट में रुपीज़ का सिंबल याद करके देना। अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया, आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते वक्त। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन आपका जो ब्रेन टीजर का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है वो, बस उसके बाद आपका ब्रेन टीजर चैप्टर नंबर 7 पूरा फुल्ली खत्म, ठीक है। और उसका देखेंगे हॉट्स क्वेश्चन जो भी अगर होगा उसका तुम कर लेंगे। तो मुझे बताओ इस वीडियो के कमेंट के सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो नहीं किए हो, और बेल आइकन को प्रेस करो। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय बाय।